हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की नदियों में सतलुज नदी को पढ़ेंगे, जिसमें जैसे कि हमने हमारी पहली दो वीडियो में चिनाब नदी को और फिर दूसरी रही थी हमारी रावी नदी, आज हम पढ़ेंगे सतलुज। सतलुज हमारे पास थोड़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो हम इसे दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम करेंगे इसका पार्ट वन। ये देखिए, जितना हम पढ़ेंगे मैंने सिर्फ उतना ही ड्रॉ किया है ये। तो आइए देखते हैं। सतलुज का वैदिक नाम, सतलुज का वैदिक नाम है सुतुद्री। सतलुज का वैदिक नाम है सुतुद्री और सतलुज का संस्कृत नाम है शतद्रु। फिर है सतलुज की कुल लंबाई कितनी है? सतलुज की कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर और यह हिमाचल प्रदेश में कितना बहती है? यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन बनता है, जल ग्रहण क्षेत्र, सतलुज का जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। चिनाब का जल ग्रहण क्षेत्र था 7500 वर्ग किलोमीटर और रावी का था 5451 वर्ग किलोमीटर। फिर है इसके अन्य नाम, मतलब सतलुज को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? सतलुज के अन्य नाम है, इसे हम लाल नदी और पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है, लाल नदी और पीली नदी। फिर क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। हिमाचल प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली नदी, बांटने वाली नदी यह है सतलुज, और जो चंबा को दो भागों में बांटती थी वो थी हमारी रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी सबसे ज्यादा कौन से जिले में बहती है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी सबसे ज्यादा जो है आपकी किन्नौर में बहती है। ठीक है, किन्नौर में बहती है, कितनी ये बहती है वहां? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, यह है सतलुज नदी, यहाँ हमारा तिब्बत पड़ता है, ये रहा तिब्बत। तो देखिए, सतलुज नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर यानी कि रक्षताल से। ठीक है, मैं लिख दूंगी, तिब्बत का उद्गम होता है मानसरोवर रक्षताल से, या इसे रक्षस्थल भी कहते हैं, मानसरोवर रक्षताल से। फिर देखिए, ये था मानसरोवर रक्षताल। फिर है, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी कौन से जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो देखिए, ये आपकी नदी एंटर कर रही है किन्नौर में, सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? किन्नौर में। और कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो ये करती है शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा आपका किन्नौर में है। दूसरा क्वेश्चन मैं यही लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रा जो कि है हमारा किन्नौर में, शिपकिला दर्रा से
प्रवेश करती है। अगर आपसे दर्रा पूछा जाए तो वह है शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। अब मैप देखिए, ये थी आपकी सतलुज नदी मानसरोवर रक्षताल, किन्नौर में एंटर किया शिपकिला दर्रा से, ये रही सतलुज नदी। ऊपर से ये नदी जो है ये है स्पीति नदी, और ये इसकी सहायक है पिन, तो पिन किसकी सहायक हुई, स्पीति की सहायक हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ये है आपका स्पीति नदी। ध्यान रखिएगा, सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी स्पीति, और यह हिमाचल में कितना बहती है, 112 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीति क्या हुआ, अब हमारी सतलुज की सहायक हो गई। और स्पीति की सहायक कौन सी नदी है, आइए फिर से मैप देखिए, स्पीति की सहायक है हमारी पिन नदी। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, पिन स्पीति की सहायक है, सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इससे बनता है, देखिए हमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक आती है रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना और एक होती है शोंग टोंग। ठीक है, तो देखिए रोंग टोंग हमारी लाहौल स्पीति में है, शोंग टोंग ये रही, शोंग टोंग सतलुज नदी पर है और रोंग टोंग है आपकी स्पीति नदी पर। इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, रोंग टोंग और शोंग टोंग ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना हमारी रोंग टोंग ही है, जो कि कितने मेगावाट की है, यह है 2 मेगावाट की। आइए देखते हैं, लिख लीजिएगा, लाहौल स्पीति में कौन सी नदी पर, लाहौल स्पीति में स्पीति नदी पर, लाहौल स्पीति में स्पीति नदी पर रोंग टोंग जो कितने मेगावाट की है, 2 मेगावाट। रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना 2 मेगावाट की है। एक और क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये हमारी रोंग टोंग ही है, सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये हमारी रोंग टोंग और हुई, ये कहाँ, लाहौल स्पीति में। दूसरी थी हमारी शोंग टोंग, देखिए इनका ध्यान रखिएगा, शोंग टोंग, शोंग टोंग जो है वो कहाँ थी, किन्नौर में। शोंग टोंग किन्नौर में कौन सी नदी पर, सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर है। ठीक है, सतलुज नदी पर है। देखिए हमने इतना पढ़ लिया, शिपकिला दर्रा सेंटर की स्पीति जो है सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इस पर रोंग टोंग है स्पीति पर, और किन्नौर में हमारी शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना है, पिन जो है स्पीति की सहायक नदी है। यह है ताबो की ढंकर, यह मठ है जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये स्पीति नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीति और सतलुज आपस में कहाँ मिलती है, ये मिलती है खाब नामगिया, इसी के नाम पर यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है खाब जल विद्युत परियोजना। मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, नामगिया, खाब नामगिया। ठीक है, स्पीति और सतलुज का संगम कहाँ होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, स्पीति और सतलुज का संगम होता है कहाँ, खाब नामगिया, खाब नामगिया जो कि यहाँ पर खाब नामगिया हमारे पास जल विद्युत परियोजना भी है, यहाँ लिख देती हूँ खाब जल विद्युत परियोजना, और ये है हमारे पास 1020
मेगावाट की। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी पर है, तो यह है सतलुज नदी पर। खाब नाम किया कहाँ पड़ा, किन्नौर में, यह आपको मैप से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ फिर है शोंगटोंग, हमने पढ़ ली। फिर ये, अच्छा इस नदी का नाम है बसपा। ठीक है, इसका क्वेश्चन है सतलुज की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, सतलुज की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी, इसका नाम है बसपा। ठीक है, इसका नाम है बसपा। तो देखिए बसपा, बसपा के किनारे ही गांव है जिसका नाम है छितकुल। यहाँ लिख देती हूँ छितकुल, और एक और था सांगला। छितकुल और सांगला हमारे बसपा नदी के किनारे स्थित है, और जहाँ पर बसपा सतलुज में मिलती है वहाँ पर जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है कड़छम जल विद्युत परियोजना। बसपा नदी सतलुज में कहाँ मिलती है, देखिए बसपा सतलुज में कल्पा में मिलती है। ये रहा आपका कल्पा, और सतलुज नदी पर ही भाभा संजय जल विद्युत परियोजना है। भाभा संजय जल विद्युत परियोजना, दूसरे पार्ट में हम सभी जल विद्युत परियोजनाओं को साथ में लिख लेंगे ताकि हमें ये याद रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स।